मेरा नाम रवि कुमार धनगर है जी। मैं जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय धनगर समाज जिला मुजफ्फरनगर से। सर पूरा मामला ये है, जब से देश आजाद हुआ है हम लोग संविधान में अनुसूचित जाति के 27वें नंबर पर धनगर समाज अंकित है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने हमें ये अधिकार दिया है। हम लोग धनगर जाति के व्यक्ति हैं। हम लोगों को मौलिक अधिकार संविधान में जो लिखा है, जाति मूल वंश से छेड़खानी नहीं होगी, हमें हमारे बच्चों को वो प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। शासन और प्रशासन, हमें लगता है शासन और प्रशासन गोलमोल बोल इधर के पाले में इधर और इधर के पाले में इधर खेल रहा है और मेरे भोले भाले समाज का बेवकूफ बनाया जा रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, ये समाज भोला है, लेकिन भोला आदमी का अगर दिमाग खिसक जाए ना तो फिर वो बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि बात उसके बच्चों के अधिकार पर आ रही है। अभी ये बच्ची है स्कूल में, इसे जाति प्रमाण पत्र चाहिए और जाति प्रमाण पत्र आप सरकार शासन प्रशासन नहीं दे पा रहा है, तो स्कूल छोड़ो अभियान कह रहे हैं वो हमारे बच्चों को अप्रत्यक्ष रूप से ये कह रहे हैं कि आपको स्कूल नहीं जाना है, आपको शिक्षा का अधिकार नहीं लेना है। अप्रत्यक्ष रूप से ये संदेश सरकार दे रही है। अब जब बात हमारे बच्चों की आएगी, क्या बताओ हम इस देश के वासी नहीं है? क्या हम पाकिस्तान से आए हैं? हम इस देश के वासी हैं, हमारे बच्चों को प्रमाण पत्र चाहिए। हम धनगर जाति के हैं और जाति कभी बनाई नहीं जाती, जाति में जन्म लिया जाता है। प्रमाण न पत्र बनने से भाई साहब ऐसा है, जो हमारे लोग शिक्षा में बच्चे जा रहे हैं वहाँ पे एडमिशन के लिए प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। अब हमारे बड़ों का प्रमाण पत्र है, पिताजी का प्रमाण पत्र है, धनगर जाति का है, क्योंकि धनगर जाति ही हमारी है। जब बच्चा प्रमाण पत्र बनवाने जाता है तो मना कर देते हैं, क्योंकि बच्चे से स्कूल में प्रमाण पत्र मांगा जाता है, तो प्रमाण पत्र नहीं होता तो वो कहते हैं हम आपका एडमिशन नहीं लेंगे। तो क्या एक बात बताइए, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें जो अधिकार दिया है, क्या हम उसका पालन कर रहे हैं? क्या इतना सारा सिस्टम, संविधान जो होता है ना सर, संविधान जो होता है वो सबसे ऊपर होता है, सुप्रीम कोर्ट भी उसी का पालन करवाता है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सिर्फ संविधान का पार्ट है, सबसे ऊपर संविधान रखा गया है। तो आप मुझे बताओ कि संविधान खतरे में क्यों नहीं है? नहीं, ओबीसी हम है नहीं ना सर, हम आपको ये भाई साहब, सर हम गडरिया जाति की उपजाति धनगर हैं। हम लोग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश से आए हुए लोग हैं, हम मूल रूप से गडरिया नहीं है। हम गडरिया की उपजाति व्यवसाय जो है हमारा सेम था, हम गडरिया नहीं, हम धनगर हैं। शासन के कई सारे आदेश आए हुए हैं, 2019 का शासन से स्पष्टीकरण आया हुआ है कि धनगर जाति की पहचान कैसे होगी। हम लोग अपना अपनी जो बहू बेटियों की जो मंगाते हैं या शादी करते हैं, हमारा रोटी बेटा हुक्का पानी से संबंध जिसका होगा वो मेरी जाति होगी, और वो जाति क्या है? धनगर। हम कभी बड़े वालों में अपनी लड़की नहीं ब्याहते और ना ही लेते हैं। हमारे गोत अगर हमारे धनगर प्रमाण पत्र आज से जारी नहीं होते 2 अक्टूबर तक, अगर हमारे सर ऐसा नहीं है, आरक्षण आने का मतलब नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर जो मेरी जाति है, मेरे पिताजी का नाम मैं फायदा नुकसान के लिए थोड़े बदलूंगा। जिस जाति में मैं जन्मा हूँ वो ही मेरी जाति है, चाहे आरक्षण है या नहीं है। नहीं, हम लोग धनगर जाति में हर जाति की सही ध्यान आएंगे और बैग डीएम साहब के पास ऑफिस में जमा करके जाएंगे। हमारे स्कूल के बच्चे यहाँ आएंगे 2 अक्टूबर को और अपना बैग, अपना बस्ता स्कूल का डीएम साहब को सौंप के जाएंगे। यदि हमारे 2 अक्टूबर सर ऊपर जो बैठे हैं ना, वो बहुत विशेष जातियों के लोग बैठे हैं, वो हमें बहुसंख्यक हैं। जब झूठ का बोलबाला ज्यादा हो जाता है ना तो झूठी सच माने लगता है, लेकिन हम धनगर हैं, धनगर